हाँ, पिछले वीडियो में बेटा हम लोगों ने ये तीन क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोग को पिछले वीडियो में। उसके बाद में मैंने आपको न्यूटन ने क्या क्या कार्य किया था वो आपको समझाया था। उसके बाद में अभिकेंद्री बल किसे कहते हैं उसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी। हाँ, अब इसके बाद शुरू करते हैं केपलर का नियम। केपलर ने कुछ नियम दिए थे, वो नियम किससे संबंधित थे? वो नियम संबंधित थे कि जो ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो वो कुछ नियम का पालन करते हैं। तो वो नियम कौन कौन से थे उससे संबंधित नियम केपलर ने बताए थे। तो केपलर का पहला नियम क्या था बेटा? केपलर का पहला नियम था कि ग्रह की जो कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है। दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है वृत्त, एक होता है दीर्घवृत्त। यहाँ पर देखो डायग्राम में, ये जो बीच में सर्कल दिख रहा है ये वृत्त है, और ये जो सर्कल है ये दीर्घवृत्त है। ये आपका जो अंडा है वो दीर्घवृत्ताकार होता है, और जो चूड़ियां पहनते हैं वो आप हाथों में वो वृत्ताकार होती है। तो केपलर ने पहला नियम ये बताया था कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार इस मार्ग के अनुसार चक्कर लगाते हैं। यानी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ ऐसा वृत्त की जैसा चक्कर नहीं लगाते, वृत्त की तरह चक्कर नहीं लगाते। कैसे लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। ग्रहों की जो कक्षा होती है, ग्रहों का जो मार्ग होता है जिस मार्ग से वो लोग सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो दीर्घवृत्ताकार होती है। अब दीर्घवृत्ताकार में दो केंद्र होते हैं जिसको नाभि कहते हैं। नाभि, जैसे यहां देखो F1 और F2, ये दो नाभि है। तो केपलर कहते थे कि सूर्य की जो स्थिति है ना वो इन दो नाभि में से किसी एक नाभि पर होता था। जैसे यहां ये F2 पर है सूर्य, देखो। तो केपलर का पहला नियम क्या था कि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है और सूर्य किसी एक नाभि पर स्थित होता है। ये केपलर का पहला नियम था, ये आप लोग निशान लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 99.999% मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज आ रही है पर आप समझ नहीं पा रहे हो, ये कहना चाहते हो? ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, फिर से सुनो, अपना माइक बंद करो। देखो, आप सब जानते हो कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जैसे हमारी पृथ्वी, वैसे ही सारे जो ग्रह हैं, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, ये सारे ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो केपलर ने क्या बताया? केपलर ने ये कहा कि ग्रह, ये जो ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ, तो उनके चक्कर लगाने का जो रास्ता है ना वो वृत्त नहीं होता है। उनके जो ग्रह की कक्षा है वो वृत्त नहीं होती, ऐसे वृत्त के जैसा वो चक्कर नहीं लगाते हैं, वो ऐसा दीर्घ वृत्त की तरह से चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह की कक्षा दीर्घ वृत्त के आकार की होती है और सूर्य उस दीर्घ वृत्त के एक नाभि पर स्थित होता है। दीर्घ वृत्त में दो नाभियां होती हैं, तो सूर्य किसी एक नाभि पर स्थित होता है। ये केपलर ने अपने पहले नियम में बताया था। अभी भी नहीं समझा हो तो बोलो बेटा। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। तो अब अपना माइक बंद करिए, अब दूसरा नियम समझते हैं। केपलर का दूसरा नियम क्या था? केपलर का दूसरा नियम था कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली जो रेखा है वो रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। अब यहां तीन चीज समझना है, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, फिर समान समयावधि, समान क्षेत्रफल। तो देखो यहां पर, देखो ध्यान से, ये ग्रह है, ये जो पॉइंट ए दिख रहा है ब्लू कलर का, ये ग्रह है और ये रेड। अच्छा, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? एक सेकेंड, एक सेकेंड।
ठीक है, तो मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ बेटा, फिर से पहला नियम वापस समझा दूँ? देखो पहला नियम मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग माइक बंद रखिए अपना। केपलर का पहला नियम क्या था कि ग्रह की कक्षा ये दीर्घवृत्ताकार होती है और सूर्य कक्षा की एक नाभि पर होता है। देखो ये सूर्य है लाल रंग का और ये ब्लू कलर का ग्रह है। तो केपलर ने बताया कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है तो ये चक्कर वृत्त के वृत्ताकार मार्ग नहीं होता, वो वृत्ताकार मार्ग द्वारा चक्कर नहीं लगाता, वो दीर्घ वृत्त के आकार का जो मार्ग होता है उसके अनुसार चक्कर लगाता है। और कभी भी दीर्घ वृत्त में दो केंद्र होते हैं, एक F1 और F2 जिसको नाभि कहते हैं, दो नाभियां होती हैं। सूर्य इन दो में से किसी एक नाभि पर होता है, जैसे यहां पर सूर्य F2 पर है। ये समझ गए पहला नियम? बोलो बेटा समझ गए, माइक ऑन करके बोलो। ठीक है, अब ठीक है शाबाश बेटा, अब दूसरा नियम समझते हैं। चलो केपलर का दूसरा नियम है कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। पहले ये समझते हैं कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा ये क्या होता है। देखो ये ग्रह है, ये जो एक ए दिख रहा है नीले रंग का ये ग्रह है और ये लाल रंग का ये सूर्य है, इसको हमने मिला दिया तो ये ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा हो गई। अब हम देखते हैं, अब ये जो रेखा SA है ये 5 मिनट के बाद में ये ग्रह B तक पहुंच गया, 5 मिनट के बाद में B पे पहुंचा, फिर 5 मिनट के बाद C पे पहुंच गया, फिर 5 मिनट के बाद D पे पहुंच गया, फिर 5 मिनट बाद E पे, 5 मिनट बाद F पे, फिर 5 मिनट बाद वापस A पे आया। तो इसको बोलते हैं समान कालावधि। समान कालावधि समझ गया, ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा ये समझ गए। समान कालावधि मतलब हर 5-5 मिनट में कहाँ पहुंच रहा है, या हर 2 घंटे में जहां पे पहुंच रहा है उसको समान कालावधि, यानी ए बी सी डी ई एफ और ए सब जगह वो उसको जाने में समान टाइम लग रहा है। तो ये हो गया समान कालावधि। तो ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समझ गए, समान काला समयावधि समझ गए, अब समान क्षेत्रफल क्या होता है वो समझो। देखो ये जो रेखा ऐसे है ये 5 मिनट बाद बी पे पहुंची तो ये एक क्षेत्रफल बन गया। देखो ये जो 1 जो आप देख रहे हो ये पहला क्षेत्रफल है, फिर देखो फिर ये सी से डी में जाने में फिर से 5 मिनट लगा, समान समयावधि लगी। अब ये जो दूसरा क्षेत्रफल बन गया ये ब्लू कलर का, फिर अगले 5 मिनट में तीसरा क्षेत्रफल मिला। तो ये जो समान समयावधि में ये रेखा जो क्षेत्रफल बना रही है ये क्षेत्रफल समान होता है, पहला क्षेत्रफल दूसरा क्षेत्रफल तीसरा क्षेत्रफल ये तीनों क्षेत्रफल समान होते हैं। केपलर का ये दूसरा नियम था। दूसरा नियम क्या था फिर से बोल रहा हूँ, सूर्य और ग्रह को जोड़ने वाली रेखा ये समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। दूसरे नियम में कोई डाउट? दूसरा, अच्छा ठीक है, दूसरा नियम समझ गया हो तो फिर तीसरे नियम पे बढ़ें। क्या बेटा तो आवाज जोर बहुत धीमी आ रही है, जोर से बोलो। हाँ समान समयावधि, माइक बंद करो। ये रेखा है जैसे सूर्य और ग्रह को जोड़ने वाली रेखा है, ये 5 मिनट में इतनी एरिया बनाई, फिर अगले 5 मिनट में इतना एरिया बन गया नंबर 2, फिर अगले 5 मिनट में इतना एरिया उसने व्याप्त कर दिया। तो ये समान समयावधि यानी सेम टाइम में जो एरिया बन रहा है वो सब समान होता है, समझे? हाँ
अब बढ़ते हैं केपलर का तीसरा नियम। सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्त काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। अब इसमें दो चीजें समझनी है, आवर्त काल और ग्रह और सूर्य की औसत दूरी। आवर्त काल किसको बोलते हैं बेटा जी? किसी ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे उस ग्रह का आवर्त काल कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में उसको एक साल लग जाता है, 365 दिन लगते हैं, तो ये 365 दिन हमारी पृथ्वी का आवर्त काल हो गया। इस आवर्त काल को टी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है, कैपिटल टी, बड़ा टी। अब इसके बाद ये ग्रह और सूर्य की औसत दूरी कितनी होती है ये क्या है ये समझ लेते हैं। देखो बेटा, जैसे कि ये ग्रह और सूर्य की दूरी यहां 1000 है, अब यहां ये 2000 है, ये 3000, फिर ये 4000, ये 5000, 6000, 7000, बार बार ग्रह और सूर्य की दूरी बदल रही है, तो औसत दूरी किसको बोलते हैं? ये सारी जो दूरियां हैं इसको जोड़ दो, जैसे 1000 + 2000 कितना हो गया 3000, 3000 + 1000 4000 + 1000 और जोड़ दो 5000 6000 7000, टोटल कितना हो गया 7000। अब इसको 7 से भाग दे दो, क्योंकि हमने कितनी दूरियां मापी, 7 दूरी मापी, 6000 हुआ टोटल, टोटल दूरी 6000 आई, 6 से भाग दे दो तो कितना आएगा, 6000 में 6 से भाग दे देंगे तो भाग देना है बेटा, भाग, गुणा नहीं बोल रहा हूं मैं, एक हजार आ जाएगा। तो ये जो 1000 हुआ वो ग्रह और सूर्य के बीच की औसत दूरी हो गई है। ग्रह और सूर्य की औसत दूरी का मतलब समझ गए आप लोग? मतलब ग्रह और सूर्य के बीच की कोई 7 दूरी को प्लस कर दो और 7 से भाग दे दो, कोई 8 दूरी को मापो उसको, 8 दूरी को जोड़ो और 8 से भाग दे दो, ऐसे 9 दूरियों को मापो, 9 दूरी को जोड़ के 9 से भाग दे दो, 10 दूरियों को जोड़ा, 10 दूरियों को दो जोड़ करके 10 से भाग दे दिया, तो जो आंसर आया वो औसत दूरी हो गई। यहाँ पर कोई डाउट है ग्रह ग्रह की सूर्य से औसत दूरी? नो। हाँ, तो अब केपलर ने क्या बोला? केपलर का तीसरा नियम ये था कि ये जो किसी ग्रह का जो आवर्त काल है उसका वर्ग यानी कि टी स्क्वायर, और ग्रह और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसका घन, जैसे कि यहाँ आर घाते 3 है, आर अगर औसत दूरी है तो आर का घन, ये क्या होता है? ये समानुपात में होता है, इसका अनुपात समान होता है। यहां तक समझे? यहां तक समझे और अच्छे समझाऊं? देखो फिर से समझा रहा हूं। देखो, आवर्त काल किसको बोलते हैं? किसी ग्रह का सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको आवर्त काल बोलते हैं। हाँ बोलो, किसने बोला सर? क्या पूछना है पूछो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगाता है उसको उस ग्रह का आवर्त काल बोलते हैं। आवाज नहीं आ रहा है? अब आ रहा है? आ रहा है ना? जिसको आवाज बराबर नहीं आ रहा है उसके नेटवर्क में कुछ इश्यू होगा। हाँ, तो आवर्त काल समझ लो, एक ग्रह को सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको उस ग्रह का आवर्त काल बोलते हैं, और इसको बोलते उसको कैपिटल टी से लिखते हैं। फिर ग्रह और सूर्य की बीच की जो दूरी है उन दूरियों को
मापना है और उसको प्लस करके जितनी दूरी आपने आपने मापी है उसी नंबर से भाग दे दो। जैसे 7 बार दूरी मापी है, 7ों दूरी को प्लस करके 7 से भाग दे दो, तो वो क्या होता है, वो औसत होता है, सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी का औसत होता है, जिसे स्मॉल आर यहाँ लिखा गया है। तो केपलर का तीसरा नियम ये था कि जो ग्रह का जो आवर्त होता है यानी टी, उसका वर्ग और ग्रह और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसका घन, ये समान अनुपात में होते हैं, इनका अनुपात समान होता है। यानी यदि इनका अनुपात 1/2 है तो हर बार वो 1/2 ही आएगा, चाहे दूरी कितनी भी बड़ी हो, ये t का स्क्वायर और r का घन ये हमेशा 1/2 आएगा। अगर ये अनुपात 3/4 है तो ये हर बार चाहे जहां भी आप उसको मापो, जैसे ये वाली दूरी ले लो और ये आवर्त काल ले लो, अगर इसका अनुपात 3/4 आ रहा है तो ये दूरी और आवर्त काल का अनुपात भी 3/4 आएगा, ये दूरी और आवर्त काल का अनुपात फिर से 3/4 ही आएगा। कोई और दूरी ले लो उसको और उसको भी आवर्त काल से अनुपात का अनुपात निकालो, फिर से 3/4 आएगा। तो ये जो आवर्त काल का वर्ग है और सूर्य और ग्रह की औसत दूरी है, इसका जो अनुपात है ये हमेशा समान होता है। आवर्त काल का वर्ग और औसत दूरी के घन का जो अनुपात है वो हमेशा समान होता है। ये केपलर का तीसरा नियम था। कोई डाउट? सिर्फ एक जन का किसने बोला डाउट? सबको बराबर नहीं आ रही है, किसी एक जन बराबर? ठीक है, जिसको आवाज बराबर, देखो जिसको आवाज बराबर नहीं आ रही बेटा, ध्यान से सुनो, ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर आपको अभी आवाज बराबर नहीं आ रही है तो मेरा रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, तो आप उसमें से वो देख के समझ लेना। तो आवाज बराबर नहीं आ रही है तो भी चिंता मत करो, क्योंकि बाकी सबको आवाज बराबर आ रही है और आपको अकेले नहीं आ रही है, तो ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, केपलर ने तीसरा नियम क्या बताया कि किसी ग्रह का जो आवर्त काल है उसका वर्ग और ग्रह और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसका घन, ये हमेशा समान अनुपात में होते हैं। जैसे टी स्क्वायर और आर क्यू, टी स्क्वायर बटे आर क्यू अगर 3/4 आ रहा है तो वो हर बार वो 3/4 ही आएगा, वो हमेशा स्थिर ही रहेगा, उसका आंसर कभी चेंज नहीं होगा। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू ये स्थिर ही रहेगा, जिसको के यहां लिख दिया है। समझ गए हो तो आगे बढ़ा जाए। अब देखो केपलर ने ये तीन नियम, तो माइक बंद करिए अपना, केपलर ने ये तीन नियम बताए थे जो ग्रह के संबंध में, लेकिन केपलर ने एक चीज नहीं बताया कि क्यों ये नियम का पालन करते हैं ग्रह, इसका कारण नहीं बता पाए केपलर। क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है? ठीक है बेटा, तो केपलर ने ये तीन नियम तो बताए थे ग्रह से संबंधित, तीन नियम दिए थे केपलर ने, लेकिन केपलर से जब ये पूछा गया कि ग्रह इस तीन नियम का पालन क्यों करते हैं, तो केपलर के पास इसका जवाब नहीं था। केपलर ये कारण नहीं बता पाए कि इस नियम का पालन क्यों करते हैं, इसको बाद में न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था। कल जब हम लोग ने ये, मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में, तो इसमें देखो आपको मैंने बताया था कि न्यूटन के पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था केपलर। केपलर ने ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करने वाले तीन नियम प्रतिपादित किए थे, परंतु ग्रह इस नियम के अनुसार भ्रमण क्यों करते हैं इसका कारण नहीं पता था। बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का उपयोग करके उस नियम को सिद्ध किया था। तो केपलर ने जो तीन नियम दिए थे वो तीन नियम यही थे, लेकिन ये नियम ग्रह क्यों पालन करते हैं इसका कारण उस समय पता नहीं था केपलर को।
उसके बाद में केपलर के बाद में न्यूटन नाम के वैज्ञानिक आए और उन्होंने सारी चीजें समझाई। तो न्यूटन ने, अगला टॉपिक चलते हैं, न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम, पहले बेटा ये तीनों नियम आप लोग अच्छे से लिख लेना, ये डायग्राम आप लोग बना लेना और डायग्राम बना के ये तीनों, और तीन नियम, दोनों नहीं सिर्फ एक डायग्राम, ये 1.4 वाला डायग्राम, ये डायग्राम बना करके ये तीनों नियम अच्छे से लिख लेना, ये परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, कोई ना कोई प्रश्न जरूर होगा बोर्ड एग्जाम में केपलर के नियम से संबंधित। कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि ये आकृति बना देंगे और ये पूछेंगे कि ये आकृति किससे संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा ये आकृति केपलर के नियम से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि वो नियम को लिखिए, तो फिर आपको ये नियम लिखना पड़ेगा, तीनों नियम। और ये स्वाध्याय में भी ये प्रश्न पूछा गया है, इस चैप्टर के पीछे भी एक प्रश्न है जिसमें एक केपलर के तीन नियम लिखने हैं, तो ये तीन नियम अच्छी तरह से याद कर लो और नोटबुक में लिख लो। अब हम लोग चलते हैं न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है वो समझ लेते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ये नियम वही है जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसको थोड़ा सा और विस्तार किया है। देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण बल एक वैश्विक बल है जो केवल पृथ्वी पर स्थित दो पिंडों के बीच ही नहीं अपितु किन्हीं भी दो खगोलीय पिंडों के बीच में प्रयुक्त होता है। तो न्यूटन ने वही नियम यहां भी बताया है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दी है। क्या दी है देखो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत क्या है, विश्व, देखो दूसरी लाइन से दिया है, विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को निश्चित बल द्वारा आकर्षित करता है। ये वही नियम है जो हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था। इसके बाद क्या बोलते हैं न्यूटन, यह बल आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोम अनुपाती होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे कि दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान है m1, दूसरे का द्रव्यमान है m2, तो इनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो यहां F लिखा है, ये दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। जैसे m1 गुणे m2 जितना ज्यादा होगा उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ज्यादा होगा। तो न्यूटन ने यही बताया कि संपूर्ण विश्व में प्रत्येक दो पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब उनका गुणनफल जितना ज्यादा होगा उनका गुरुत्वाकर्षण भी, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण भी उतना ज्यादा होगा। ये गुणनफल जितना कम होगा उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना कम होगा, जिसको बोलते हैं समानुपाती। फिर क्या बोला कि उनके दूरी के बीच के वर्ग के प्रतिलोम अनुपाती होता है। मान लो उनके बीच की दूरी है d, तो इनके जो बल है, इन दोनों पिंड के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके दूरी के वर्ग के प्रतिलोम अनुपाती होगा। प्रतिलोम अनुपाती का मतलब होता है कि जैसे डी स्क्वायर के प्रतिलोम अनुपाती, तो डी, इसका मतलब हुआ डी स्क्वायर जितना ज्यादा होगा बल उतना कम होगा। प्रतिलोम अनुपाती यानी उल्टा होता है, डी जितना ज्यादा बल उतना कम, और डी जितना कम होगा बल उतना ज्यादा होगा। तो नियम क्या दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था कि विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को निश्चित बल द्वारा आकर्षित करता है, यह बल आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोम अनुपाती होता है। बेटा थोड़ा सा मैं पॉज कर रहा हूं, वीडियो में थोड़ी देर में फिर से आता हूं।